नमस्कार, मैं कोमल बहस, स्वागत है आपका मिरर मीडिया में। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं गया पुल के पास। यहाँ से जो गया पुल जो है, ये बहुत ही अहम इलाका माना जाता है धनबाद से, चूँकि ये गया पुल जो है ये बैंक मोड़ को जोड़ता है, झरिया डिगवडी को जोड़ता है, साथ ही जो झरिया डिगवडी के जो यात्री हैं उनको स्टेशन पहुँचाने तक का भी यही एक मुख्य मार्ग है। लेकिन यहाँ पर लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। मिरर मीडिया लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए प्रशासन को सतर्क करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो दिन प्रतिदिन यहाँ पे भारी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे यात्रियों को कहीं भी एक दूसरे से एक जगह से दूसरे स्थान जाने में कम से कम जो रास्ता आधे घंटे में पूरा हो सकता है उसमें एक से दो घंटे लग जा रहे हैं। तो आखिर इसकी जवाबदेही प्रशासन की है, वो इसको लेकर के कोई हल निकाले। लेकिन लगातार यहाँ पे जाम की जो समस्या है वो बनी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से आगे भारी जाम लग गया, जिसके वजह से गाड़ियों यहाँ पर रुक गई है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो रास्ता है ये बहुत ही मुख्य मार्ग है, क्योंकि यहाँ से स्टेशन भी लोग जाते हैं। तो जिस अगर लोगों को स्टेशन में ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन पकड़ने में भी उन्हें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही हमने अपने कार्यक्रम कहाँ चले हम के जरिए प्रशासन को ये बात से भी सतर्क करने की कोशिश की है कि आखिर जो लोग जो हैं गाड़ियों को रोड में ही लगा दे रहे हैं, जिसके कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे आप अगर बैंक मोड़ देखते हैं, धनबाद का पूजा टाकीज है, वहाँ पे कहीं भी आप जाके देखेंगे तो पार्किंग की जो व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग जो है आधा से ज़्यादा रास्ता सड़क का अपने गाड़ियों से अपने वाहनों के माध्यम से छेक लेते हैं, जिसके वजह से भी जाम की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। एक और विषय लेकर के मैं आपका ध्यान सतर्क करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है गंदगी को लेकर के भी, गंदगी की जो पूरी अंबार है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो रास्ता है, यहाँ पे साइड में दुकान है खाने पीने की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नाला जो है वो खुले में बह रहा है। एक तरफ जो है स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, कोरोना का भी समय चल रहा है, हाइजीन की बात कही जाती है, जगह जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो इलाका है वहाँ पे किस तरह से आप खुले में नाला बह रहा आप देख सकते हैं, इससे कितनी बीमारियाँ होंगी। बहरहाल मिरर मीडिया लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए प्रशासन को सतर्क करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उन्हें जल्द से जल्द इन सब कामों पर निर्णय लेना चाहिए, और जो जाम की समस्या है या खुले में जिस तरह से नाले बह रहे हैं, सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा प्रशासन की तरफ से कुछ सख्त कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मास्क को लेकर भी लोग जो है, कुछ दिन पहले तक निर्णय आया था झारखंड सरकार द्वारा कि मास्क को लेकर के भी पैसे वसूले जाएंगे, अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो फाइन लिया जाएगा, जेल में भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन तो उस समय तो देखा गया था, दो तीन दिन तक काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। लेकिन वही वो दो तीन दिन बाद फिर क्या जो नज़ारा है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, साथ ही में जो ऑटो चालक है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप ऑटो में चार लोगों को ही बैठा सकते हैं, लेकिन वो ड्राइवर के बगल में कोई नहीं बैठ सकता, ड्राइवर को भी मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन ड्राइवर भी जो है वो मास्क नहीं लगा पा रहा है, ऑटो में भी 10 लोगों को ज़बरदस्ती कोच कर बैठा दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर प्रशासन को बहुत सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सहयोगी विक्रम के साथ कोमल बहल, मिरर मीडिया, धनबाद।